अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी बेकरी स्टाइल चिकन मिनी ब्रेड। ये देखिए, ये बिना ओवन के बना है, कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो विथ और विदाउट ओवन मैं दोनों आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नीम गर्म पानी, हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। एक कप मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है। दो चम्मच इसमें हम चीनी शामिल करेंगे, दो चाय के चम्मच, और तीन चाय के चम्मच हम इसमें इंस्टेंट हीस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे। इजीली अवेलेबल होता है, छोटे पैकेट्स में भी मिल जाता है ईस्ट, और इजीली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मैदा, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, याद रखिए बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप 3 खाने के चम्मच ले लें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ईस्ट वाला मिक्सचर शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से मिक्स होकर राइस हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आपने ऐड करना है, और इसके ऊपर आप बबल्स देख सकते हैं, ये इस तरह से जब एक्टिवेट हो जाता है तो इस तरह से नज़र आता है। अब हम इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे 2 कप, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। याद रखें पानी और दूध दोनों आपने हल्के गर्म लेने हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो ईस्ट जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। सारा दूध मैंने इसमें ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से ये मिक्सर तैयार है। अब मैंने सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और डो के ऊपर भी थोड़ा सा हम तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ऑयल लगाएंगे, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपने डो को अच्छी तरह से गूंदना है, जितना अच्छे से आप डो को गूंदेंगे तो उतने ही अच्छे ब्रेड बनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 खाने के चम्मच खुश दूध का पाउडर। ये आप स्टार्ट में ड्राई मिक्सर के साथ भी ऐड कर सकते हैं और इसे स्टेज पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट आता है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मसल कर इस तरह से डो को गूंधेंगे तकरीबन 5-6 मिनट तक, जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट डो तैयार ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से डो तैयार होनी चाहिए। अब हम इसको प्रेस करेंगे और ये ऊपर आएगा इस तरह से। इसकी सरफेस जो है वो आप चेक करें कि इस तरह से इसका सरफेस होना चाहिए। अब हम एक बॉल लेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे, और इसमें हम डो को रखेंगे। डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो, और अब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके तकरीबन 2 घंटों के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। किचन टॉवल या टी टॉवल से इस तरह से ढक लें। अब हम मिक्सर तैयार करेंगे, तो मिक्सर के लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऑयल, 3 खाने के चम्मच हमने तेल लेना है, और इसके बाद मैं इसमें मिक्सर ऐड करूंगी जिसमें मैंने 2 हरी मिर्ची ली हैं, 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, और 2 मैंने लहसुन के जवे लेकर उसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया है बारीक। हल्का सा हम इसे सौते फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना ताकि ऑयल में इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए। इसके बाद हम इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि बेकरी में जो चिकन का मिक्सचर होता है उसमें प्याज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं आप 3 से 4 प्याज भी चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम प्याज को फ्राई करेंगे, प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं करना। प्याज नरम हो जाए तो हम इसमें उबली हुई और रेशा की हुई चिकन शामिल करेंगे। ये एक पूरा चिकन है तकरीबन 1000 ग्राम का, और इसे मैंने बॉईल कर लिया है नमक और लहसुन के साथ, और इसके बाद मैंने इसे रेशा कर लिया है, इस तरह से श्रेड कर लिया है। चिकन और प्याज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक ऐड करना है हसबे जायका या 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय के चम्मच,
चाइनीज सॉल्ट आधा चाय का चम्मच, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1.5 चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून या फिर जायके के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर दें। हरी मिर्ची और लाल मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा टिक्का मसाला भी फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले भी भून गए हैं। अब हम इसमें चिकन की यखनी शामिल करेंगे, जिस पानी में हमने चिकन को बॉईल किया था तो वही यखनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1 कप। हाई फ्लेम पर हम चिकन को भुनेंगे ताकि जो यखनी है ये अच्छी तरह से सोक कर ले और चिकन और प्याज जो है वो नरम हो जाए। चिकन और प्याज नरम हो जाए और यखनी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। देखिए इस तरह से बीच में स्पेस आपने बना लेना है। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 कप मैदा शामिल करेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। हल्का सा मैदा हम भूनेंगे या फिर आप इसमें भुना हुआ मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/4 कप हमने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के ये मैदा बनता है, ये हमने इसमें ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से भून लिया है। और अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 कप मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक हम कुक करेंगे। चिकन का मिक्सर अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद हम इसके ऊपर ऑरेगानो और काली मिर्ची डालेंगे। ये देखिए ये चिकन का मिक्सर जो है थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून ऑरेगानो, ये जस्ट फ्लेवर के लिए है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और तकरीबन 1 से 1.5 चाय के चम्मच हम इसमें काली मिर्चें पीसी हुई, ताज़ा पीसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। ताज़ा पीसी हुई ले लें तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। काली मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर ली हैं और बस ये मिक्सर हमारा तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मिक्सर को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ये थिकनेस काफ़ी है, बस ये जब खुद बहुत ठंडा होगा तो खुद बहुत थिक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 घंटे दिए हैं डो को राइज होने में, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो डो है ये राइज हो चुका है। अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे, खुश्क मैदा, और इसके ऊपर डो को रखेंगे और हल्का सा इसे पंच करेंगे ताकि जो एयर बबल्स वगैरह है ये इससे रिमूव हो जाए। इस तरह से आपने इसको अगेन थोड़ा सा भून लेना है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, पहले आप इसे इक्वल कट कर लें और उसके बाद आप इसके 4 पेड़े बना लें। तो तकरीबन 8 से 10 अदद आप इससे मिनी ब्रेड बना सकते हैं। इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। थिन बेलना है आपने, जो पिज़्ज़ा के मुकाबले में हम ब्रेड जो है उसकी जो डो है उसको हम थोड़ा सा थिन रखेंगे क्योंकि ये डबल इसकी लेयरिंग होती है। थोड़ा सा मैंने इसे फोर्क की मदद से प्रिक कर लिया है ताकि अगर कोई एयर बबल्स वगैरह हो वो रिमूव हो जाए। चिकन का मिक्सचर बीच में रखेंगे, बहुत ज़्यादा किनारों तक नहीं लेकर जाना, इस तरह से बीच में रखना है। थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं ऊपर से, और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने दूसरी साइड पे छुरी की मदद से कट्स लगा लिए हैं।
इस साइड पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और एक तरफ से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो चिकन का मिक्सर है वो अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। और अब हम इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर फिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। दूसरी तरफ भी मैंने पानी लगा लिया है और इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। देखिए ये हमारा ब्रेड तैयार है। अब आप चाहें तो इसे आप लेंथ वाइज बिल्कुल फुल भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनी ब्रेड बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इसे बीच में कट करूँगी। आप तीन भी कर सकते हैं, मैं दो कर रही हूँ सिर्फ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल एक प्लेट ली है, ये कोई बेकिंग प्लेट वगैरह नहीं है नॉर्मल, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास बेकिंग डिश नहीं है, तो आज मैं आपको इसे बिल्कुल नॉर्मल सी एक प्लेट में बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर मैंने ये बेकिंग जो कागज़ होता है बटर पेपर वो रखा है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी कागज़ ऑयल में डिप करके इसके ऊपर रखकर आप इसके ऊपर ये ब्रेड रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी अंडे की जर्दी ली है और इसमें दो जर्दी है और तकरीबन एक टेबलस्पून इसमें मैंने दूध शामिल किया है, अच्छी तरह से मिक्स किया है। और ये मैंने सारा ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा लिया है ब्रश की मदद से। थोड़ा सा हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दें, नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओवन को आपने प्रीहीट कर लेना है, या अगर आप इसे पतीले में बेक करना चाहते हैं तो उसे भी आपने प्रीहीट कर लेना है 20 मिनट के लिए। तरीका मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए नीचे मैंने नमक ऐड किया है, ये सिर्फ जस्ट पतीले की बेस को जलने से बचाने के लिए मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर एक छलनी रखी है और इसको कवर करके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम प्रीहीट कर लेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेट को इसमें रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप बड़ी पतीली भी ले सकते हैं और इसमें भी सारे चिकन ब्रेड्स को इस तरह से बेक कर सकते हैं। अच्छी तरह से कवर करेंगे चिकन ब्रेड को और अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर बेक करेंगे लो फ्लेम पर। तो 20 मिनट बाद आप चेक कर लें, अगर ब्रेड तैयार है तो आपने इसे अगेन कवर करना है। देखिए इस तरह से मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो ये ब्रेड जो है ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी लगाएंगे या फिर बटर लगाएंगे और अगेन इसे ढककर, गीले कपड़े से ढककर हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि ब्रेड जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कलर आएगा। और बेक करने के बाद 20 मिनट आपने बेक कर लिया, उसके बाद भी आप इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख लें ऐसे ही बगैर बटर लगाए, तो भी इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके बाद से आप बटर लगा लें और उसके बाद आप इसे कवर करके किसी भी गीले कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए रख लें, तो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से बेकरी ब्रेड्स तैयार होंगे। ये मैंने ओवन में बेक किए हैं, ये भी 20 मिनट के लिए 160 डिग्रीज पर मैंने बेक कर लिए हैं। ओवन में बेक करने के लिए आप ओवन को 20 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें और इसके बाद 15 मिनट के लिए ब्रेड को आप बेक कर लें तकरीबन 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये देखें, ये बिना ओवन के मैंने बेक किया है पतीले में आपके सामने, ये कितना ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। तो तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मिनी ब्रेड्स। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है मेरी रेसिपी तो वीडियो के नीचे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे चैनल लाइफ स्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट करें, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।